Yes Babu News, खबरें सुपर फास्ट. Yes Babu News. रोहतक मंडल के आयुक्त डॉक्टर टी सुरेश ने कहा कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर ही कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया जा सकता है. डॉक्टर डी सुरेश आज प्रातः स्थानीय अम्बेडकर चौक से साइकिल रैली को रवाना करने से पूर्व उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे. यह साइकिल रैली कोरोना महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी. मंडल आयुक्त डॉक्टर डी सुरेश ने कहा कि जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी वही व्यक्ति इस महामारी से मुकाबला कर पाएगा. इसलिए जरूरी है कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब हम श्रद्धा साधना तथा विश्वास के साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए संकल्प लेंगे. कार्यक्रम का आयोजन आरम्भ किया गया है क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोरोना बीमारी को हम बेहतर तरीके से तभी हम सामने तक उतर पाएंगे जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सही तरह हो. इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रणाली अचानक नहीं होगा. ये जो मामला है ये श्रद्धा से जुड़ी है. श्रद्धा साधना प्रतिबद्धता और विश्वास से जुड़ी मामला है. तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप इस बीमारी को इम्यूनिटी बूस्टिंग मैकेनिज्म के दौर से दृष्टिकोण से और अनुशासन से सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रोटोकॉल है ये सारे चीज़ें व्यक्तिगत रूप से पालना करें. हम सभी मिलकर इस बीमारी को हम हराएंगे. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज डीजी साहब का जन्मदिन है और हमारे भूतपूर्व मंत्री जी का भी जन्मदिन. दोनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये आने वाले समय में भी प्रॉस्पेरिटी से और हेल्दी तंदुरुस्त तरीके से वो अपनी जीवन यापन करेंगे. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी.